बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स सेम वन यूनिट टू। यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका चैप्टर दो, जिसका नाम है, यूनिट दो का नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर कैलकुलस, तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और स्पेशली डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। उससे आपके शुरुआत में ही इसमें थ्योरम दे रखी है कुछ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन दे रखा, जो कि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप इंटर से ही आप पढ़ते आ रहे हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन कुछ मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूँ, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ठीक है ना, आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन फॉर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किस तरीके से लागू होता है वो चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी थ्योरम बनती है, ठीक है। पहली चीज, यदि दो वेक्टर्स आपके जुड़े हुए हैं और उनका आपको डिफरेंशिएट करना पड़े टी के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख दोगे पहले ए वेक्टर का डिफरेंशिएट कर दोगे प्लस फिर उसका दूसरे वाले वेक्टर का डिफरेंशिएट कर दोगे बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहली चीज, मात्र 5 फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला, यदि आपका, मैं दो फंक्शन मान ले रहा हूँ, एक ये फाई आपका स्केलर फंक्शन है और ये आपका वेक्टर फंक्शन है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़े टी के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करोगे? पहला फंक्शन जो का त्यों रहेगा डॉट में, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट कर दोगे आप, ठीक है, फिर प्लस, फिर ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहला जो का त्यों रखा दूसरे का किया, रूप यही रहेगा। अब पहले का करेंगे हम डी फाई अपॉन डी टी इंटू डॉट, ये हम पहले क्या करते थे, जैसे कि दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दो गुणा में हैं, उनका हमको डिफरेंशिएट करता था, तो हम कैसे करते थे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएट, बात वही सही है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स में किस तरीके से ध्यान रखना है, इसी रूप में पहला फंक्शन आ गया तो पहला फंक्शन आगे ही रहेगा, यहाँ पर आपका ये दूसरे को यहाँ पर ना रख कर यहाँ पर रखेंगे, बात वही है, यहाँ पर रखेंगे तो गुणा में, लेकिन वेक्टर्स में चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए हम दूसरे वाले फंक्शन को पीछे ही रखेंगे, ये आ गया। ऐसे तीसरा फंक्शन देखेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से दे रखा है, तब हम कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन जो कहते हो डॉट है दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, अब देखिएगा दूसरे वाले फंक्शन को रखेंगे पहले वाले का जो कहते हो करेंगे, ठीक है, तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डॉट, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट ही लगाना है, ठीक है। जैसे कि चौथे में देख लीजिए, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से है तो आपको कैसे करना, बस क्रॉस लगा देना, यहाँ पर पहला वाला फंक्शन जो कहते हो फिर क्रॉस लगाएंगे दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लस, अब के दूसरे पहले वाले का करेंगे तो पहले को इस तरीके से रख देंगे, लेकिन दूसरा उसी जगह पर आएगा जहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर आगे की साइड में था तो इधर ही रखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्रॉस है, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बस वेक्टर्स में ये वाली चीज़ें आपकी बदल जाती हैं, बस यही फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। ये चार फॉर्मूले, मात्र ये चार फॉर्मूले हैं, इनको आप कर लीजिएगा, इन्हीं पर आधारित कुछ थ्योरम्स आती हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरठ यूनिवर्सिटी में तो भर भर के आया है, बाकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, रोहिली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। चीज़ों को सीखते हैं, मैं आपको बताता हूँ देखिए क्या चीज़ आई हुई है। देखिए पहली एक थ्योरम मैं आपको कराता हूँ, पहली थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर वन,
थ्योरम नंबर वन लिख रहा है फोर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टी, ठीक है। तब आपको प्रूफ करना है ए डी ए वेक्टर अपॉन डी टी प्लस इज इक्वल टू ए डी ए ए डी ए अपॉन डी टी, ये है, ठीक है। चलिएगा, ये और वो भी ये किस में है, ए वेक्टर डॉट ए, ठीक है ना, ये है। ये थ्योरम कहती है कि यदि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इस रूप में दे रखा है, तब उसके लिए ये होता है ए वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी ए बट्टे डी टी, ये होता है। या आपसे क्वेश्चन कह देगा कि किसी वेक्टर के लिए सिद्ध करो ये, ठीक है। और ये थ्योरम कहती है कि किसी भी वेक्टर के लिए यदि कोई इस रूप का वेक्टर है तो उसके लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको तो इसका प्रूफ करना है, तो आप ऐसा समझ लीजिए सिद्ध करने के लिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट, बस इतना आ जाए प्रूव दैट, बस प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। तो किस तरह से करना है आपको, तो लिख दोगे नीचे प्रूफ, ठीक है। क्या लिख दोगे नीचे, प्रूफ लिख दोगे, ठीक है। अब आपको लिखना है वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है, नहीं होता, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होता है, ये आप जानते हो। इससे पहली वाली यूनिट में ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। अब दोनों का हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, दोनों पक्षों का हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप कौन सा वाला रूल लगाओगे, ये वाला, दो वेक्टर हैं लेकिन सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन डॉट दूसरे का डिफ्रेंशिएट, ठीक है, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट, यानी पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को जोंका त्यों रखेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पता है ए की पावर दो, देखिए एक्स स्क्वेयर का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x आता है, क्योंकि यहाँ पर हम ए का कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, साथ में डी ए बट्टे डी टी आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट समझ लो, लाइक ये वाला अपने आप में एक वेक्टर समझो, ये वाला एक वेक्टर समझो। तो उसी तरीके से इसको भी मैं आपको लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी प्लस, इसको भी ए वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट में आगे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2a डी ए वैक्टर अपॉन डी डी ए बट्टे डी टी। अब दोनों को देखिएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, तो लिख सकते हैं 2a वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर इज इक्वल टू 2a डी ए बट्टे डी टी। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू a डी ए अपॉन डी टी। क्या यही प्रूफ करा रहा था, देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट ये आ गया, डॉट जरूर लगानी है इसमें, डॉट जरूर लगानी है, ये हो गया प्रूफ्ड, यही चीज़ आपसे प्रूफ करवानी थी, यानी कि आपको इन फॉर्मूलों को लगाकर कई सारी चीज़ें आपसे प्रूफ करवाएगा, ठीक है। चलिएगा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए आपका ए टी हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन आपको प्रूफ करना है, देन क्वेश्चन, यदि ए टी वैक्टर, ठीक है, ए टी वैक्टर का
परिमाण अदिश है, यानी कांस्टेंट है या नियत है, ऐसा लिख दीजिए, नियत है। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। या क्वेश्चन इस तरीके से इंग्लिश में आपसे बोलेगा, इफ वेक्टर ए टी हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड देन प्रूव दैट ए वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या आपसे प्रूव करवा सकता है कि प्रूव दैट, यहीं से प्रूव करवा सकता है देन, या तो ये बोल दे या ये ना कहे, तो आपसे हिंदी में भी कह सकता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी ए वैक्टर अपॉन डी टी। बात वही है, यदि मैं कहता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये दिखाना है हमको। मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लंबवत हैं, क्या हैं, दोनों लंबवत हैं, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। ये चीज़ आप पहले वाले चैप्टर में सिद्ध कर चुके हो, चलिएगा। तो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम प्रूफ करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, चलिएगा, वही चीज़ लेकर चलेंगे, यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं कि लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चूंकि आपको पता है कि ये वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो नियतांक है या नियत है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये वाला जो इसका ए वेक्टर है तो इसका परिमाण ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू चूंकि हम लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, चूंकि ए वेक्टर के पास, सदिश ए वेक्टर के पास क्या है, परिमाण नियतांक है या नियत है, देन ए स्क्वेयर, इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर अपने आप में कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो ए है, और ये आपका कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये हमने कांस्टेंट मान रखा है। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, बात वही है, दोनों पक्षों का अवकलन कैसे, किस तरीके से करेंगे, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, डी अपॉन डी टी और कांस्टेंट। और आप जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, जीरो होता है। और ये किस रूप से लिखेंगे, ये वाला इस रूप से लिखा जाएगा कि भैया ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस, फिर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी की तरह ही है ना, सेम, बस यहाँ पे आपका जीरो आ गया। ठीक है, प्लस ए वेक्टर को आगे लिख दूंगा, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों सेम है, तो टू ए वेक्टर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, दो आपका जीरो में चला जाएगा, ए वेक्टर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये चीज़ प्रूफ करवा रहा है, तो यहीं पर प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए ए वेक्टर एंड डी ए वेक्टर अपॉन डी टी
इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये भी प्रूफ हो गया। क्यों हो गया प्रूफ? क्योंकि आपको पता है जब दो वेक्टर आपस में उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आती है तो हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। एक और थ्योरम है, उसको भी आप प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारी थ्योरम है, मस्त तरीके से इसको हम अभी अभी आपको कराएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आपका एक ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेक्टर हैज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। चलो इसको बाद में प्रूफ करेंगे, पहले इसको इसको प्रूफ करते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। चलिए, अगला देखिएगा। ये सारे के सारे आपके उसमें आ चुके हैं भाई, कई बार मेरठ यूनिवर्सिटी में, कई बार 2002, 2004, 6, 11 और 17, 7, 19 और 22, इतनी बार आ चुका है ये वाले। ठीक है, चलिए। ए इज डिफेंसिबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, देन प्रूव दैट। आपको कुल मिलाकर ये शो करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। शो दैट डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी स्क्वेयर ए अपॉन डी टी का स्क्वेयर। ठीक है, ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछा है कि ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, ये है और तो ये बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी आपका कितनी बार आया हुआ है, मेरठ यूनिवर्सिटी में आया है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा, इसको करते हैं। पहले इसकी LHS ले लेता हूँ मैं, डी अपॉन डी टी ए वैक्टर क्रॉस डी ए वैक्टर अपॉन डी टी, ये हो गया। चलिए, अब इसका देखिएगा। आपको पता है दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैंने आपको रूल बताया था, क्या था? पहला फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर ए वेक्टर अपॉन डी टी का स्क्वेयर, फिर प्लस करेंगे, फिर पहले वाले का डी ए वेक्टर अपॉन डी टी करेंगे, फिर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, ये करेंगे। अब ये तो लो हो गया प्रूफ, ए क्रॉस डी टू अपॉन डी टी का स्क्वेयर, और आपको आप जानते हैं जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए चूँकि ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो, एक वेक्टर की उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वेयर आएगा क्योंकि क्रॉस है तो जीरो। तो देखिएगा, ऐसा समझो कि ये अपने आप में एक वेक्टर है और ये भी अपने आप में एक वेक्टर, दोनों सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस डी स्क्वेयर ए वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वेयर, यही आपकी RHS है प्रूव्ड, यही आपकी RHS है प्रूव्ड। ठीक है, एक और है, उसको हम अलग तरीके से कराएंगे, पहले कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी उसके लिए, आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या सीखना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देते हैं। जहाँ पे से आपको दो तीन चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें कर ली आपने, बस दो बातें आप ऐसा समझ लीजिएगा, मैं आपसे, एक होगा स्केलर फील्ड पहला, और दूसरी होगी आपकी वेक्टर फील्ड। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इनको सीख लीजिएगा। स्केलर फील्ड नोट्सों में दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ पर सीखिए। स्केलर फील्ड क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नदी है और वो बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी सतह जो पानी है, उसके पानी के टेम्परेचर के बारे में यदि मैं बात करूँ, देखिए ये नदी है,
अब इसमें कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल, जैसे मैं ए बिंदु ले लिया यहाँ पर एक बी बिंदु ले लिया, यहाँ पर सी बिंदु ले लिया, यहाँ पर डी बिंदु, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा और यहाँ से पानी इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक ये क्षेत्र बन गया इस तरीके से। तो मैं इस क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने लगूँ और मैं बात कर रहा हूँ इस पानी के टेम्परेचर की, किसकी, इसके टेम्परेचर की। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर फील्ड, क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अपने आप में क्या है, एक अदिश राशि है, और आप अदिश और सदिश राशियां तो पुराना पढ़ चुके हैं। अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, यानी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। यदि मैं यहां पर इसके पानी के वेलोसिटी की बात करने लगूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पानी के वेलोसिटी की, पानी के वेग की यदि मैं बात करने लगूं, तो वो क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र से संबद्ध, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, फिर वेक्टर फील्ड बोलेंगे। दोनों में अंतर समझ में आया। तो पहली बात तो ये वेक्टर फील्ड क्या, स्केलर फील्ड क्या होता है, ए फील्ड, यानी एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट हो रही हो, या जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो अदिश राशियों से संबंधित हो, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जो सदिश राशि से संबंधित है, यानी उस क्षेत्र में हम सदिश राशियों को समझ रहे हैं या सदिश राशियों का संबंध स्थापित करें। जैसे कि आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि ये आपका, यहाँ से मैं कह रहा हूँ एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका वेक्टर फील्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेक्टर फील्ड कहलाएगा। यदि मैं कह रहा हूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका वेक्टर फील्ड है। लेकिन जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, समविभव पृष्ठ जहाँ पर प्रत्येक, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इंटर क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। समविभव पृष्ठ की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, ये होगा आपका स्केलर फील्ड। क्यों, क्योंकि विभव जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी यानी कि आपका अदिश राशि होता है। तो वह क्षेत्र जिससे कोई भी अदिश राशि संबद्ध हो, अदिश राशि से संबद्ध क्षेत्र को हम स्केलर फील्ड कहते हैं, और सदिश राशि से संबद्ध क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। और यदि आपसे ओनली ऑल फील्ड की परिभाषा पूछने लगे, तो यानी कि फील्ड एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी भौतिक राशि एसोसिएट हो, ए फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट इन ए रीजन, समझ में आई बात, जिसमें एक ऐसा रीजन हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये, इसमें तो कोई भी राशि नहीं है इन्वॉल्व, तो बात करेंगे इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके एरिया की बात करने लगूँ, तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल एक क्या है, अदिश राशि है, तब हम इसको बोलेंगे क्या, स्केलर फील्ड। तो दो फील्ड हैं, दोनों की आपको जानकारी हो गई। यहीं से आगे आपका चलता है, आपका यहीं से आगे एक चीज़ चलती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। फिर आता है ऑपरेटर डेल, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड भी हम बात करेंगे, फिर आगे ऑपरेटर डेल चलिएगा। ऑपरेटर डेल को हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने पड़ेंगे, तो अभी मुझे कुछ काम है तो उसे करने जाना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ग्रेडियंट और आपका ऑपरेटर डेल आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्टली मैं आगे बात करूंगा, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।